बारी मन मारी। एक बार दशरथ को बड़ी चिंता हुई, पही गिलान मोरे सुतनाही, मेरे कोई औलाद नहीं। कब? एक बार जब दशरथ शिकार खेलने जंगल में पहुंचे तो उन्होंने हिरण पे निशाना लगा लिया। वो हिरण दशरथ की तरफ पीठ किए था, जंगल की तरफ सर किए था। जैसे ही पार छोड़ने के लिए हुए, वो हिरण आवाज लगा, हो बंसी तुम मुझे नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे श्राप लगा हुआ है, वही मार सकता है जिसके कोई औलाद हो, और तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, तुम निर्वंशी हो। पही गिलान मोरे सुतनाई, पही बात याद आ गई। और कब? एक बार दशरथ को प्यास लगी, और जब प्यास लगी दशरथ को जब प्यास लगी तो एक तालाब के किनारे पहुंचे। दशरथ अपनी प्यास तो भूल गए, उसमें एक चीज देखा। क्या? दशरथ ने देखा एक कमल का पुष्प खिला हुआ है, और सोचने लगे मन में, अगर ये फूल मैंने अपनी रानी के कई को जाकर के दिया तो बड़ी खुश होगी। दशरथ उस फूल के पीछे पीछे जाने लगे, लेकिन दशरथ जितना ही आगे जाए उतना ही वो फूल पीछे की तरफ खिसकता जाए। उससे एक ही आवाज उठी, ओए निर्वंशी तुम मुझे छूना नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे औलाद नहीं है। पही गिलान मोरे सुतनाही, बड़ी चिंता में बैठे हुए हैं। और जब इंसान पे दुख पड़ता है तो दो ही चीजें नजर आती हैं, या मौत या गुरु का द्वार, दो ही चीजें याद आती। और दशरथ को अपने गुरु की जरूरत पड़ी। दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे, बोले महाराज अब हीरा मन कहता है मैं आत्महत्या करके मर जाए। दशरथ से वशिष्ठ जी बोले तुम चिंता मत करो। क्यों? सुनो चाल बनकर दिगुपाली के क्या चार लाल आते हैं लोग। तुम चिंता मत करो, एक नहीं तुम्हारे घर में चार पुत्र पैदा होंगे, लेकिन कब? तुम पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ। पुत्रेष्टि यज्ञ होने लगा, अगरबत्ती लगा दो यहाँ पर एक पति महाराज। जब तक कथा चले तब तक दीपक नहीं बुझना चाहिए, अगरबत्ती नहीं बुझनी चाहिए, नियम होता है कथा का।